तुम्हारा फैसला मुझे अच्छा लगा। आज की बात तुम मेरे सामने मेरे लड़ाक के बनकर, मैं महल में तुम्हारा इंतजार करूंगा। फिर मुझे लड़ने के लिए इतना वक्त चाहिए, जब तक मेरा हाथ ठीक नहीं रहता तब तक मैं लड़ लूंगा। हाँ हाँ, जितने दिन चाहो महल में आराम कर सकते हैं, आखिर मेरे लिए फिर तुम्हें जीतना ही है। क्या से हाँ क्यों कहा? इतना सब देखने के बाद भी तुम उसके लिए लड़ोगे? इन मासूम गांव वालों के खिलाफ तुम्हें हो क्या गया है? पहले ये बताओ कि तुम सबको क्या हो गया, और तुमने सोच भी कैसे कि मैं गांव वालों के खिलाफ हाजिर होऊंगा, उन मासूमों के खिलाफ जिनको मैंने खुद अपनी आंखों से भूख से मरते हुए देखा। तुम चाहते क्या? महल के अंदर जाने का रास्ता, और अब मुझे बात जानने से कोई नहीं रोक सकता कि ये महाराज किसकी शतरंज का प्यादा है, और वो कौन है जो मेरे ही नाम को मेरे खिलाफ हथियार बनाता है। चारों ओर दीवारें चुनवाकर हम बहुत जल्दी खिलेबंदी पूरी करने वाले हैं, और एक बार जब यह दरवाजा बंद हो जाएगा तो हर किसी का इस किले में घुसना मुमकिन नहीं होगा। फिर आज जवान चाहे जितनी भी कोशिश कर लो किले में नहीं घुस पाओगे, और बहुत जल्दी हिंदुस्तान का ये टुकड़ा हमेशा हमेशा के लिए मोहम्मद गौरी का हो जाएगा। दादर खान, इन गांव वालों को लेकर पास के गांव जाओ, वहां से कुछ और लोगों को इकट्ठा करो, और पास के गांव की भी किलेबंदी शुरू करो। जो हुक्म सुल्तान, जाओ। अभी तो ये शुरुआत है पृथ्वीराज चौहान, मुझे तो बस उस दिन का इंतजार है कि जब इस किले की दीवारें सारे हिंदुस्तान को खुद में समेट लेंगी। तुमने मेरे भाई को तो हमारे महाराज पृथ्वीराज चौहान के पास जाने से रोक लिया, पर मुझे नहीं रोक सकोगे। मैं तुम्हारी सच्चाई अपने महाराज के सामने लाकर ही चैन लूंगा। मैं चलता हूं, तुम सब लोग मिलकर गांव वालों का ख्याल रखना। तो क्या तुम अब महाराज की ओर से लड़ने जा रहे हो? तो फिर तुमने पहली बार हमारी ओर से लड़ाई ही क्यों की? मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हूँ। माँ ने कहा कि अब हमें किसी से लड़ने की ताकत नहीं है। ये तुम्हारे लिए सिर्फ एक खेल होगा, पर हमें अब लड़ने की ताकत नहीं रही। अच्छा होगा कि तुम हमारी सारी जमीनें ले जाकर उस पृथ्वीराज चौहान के कदमों में रख दो। रुको, मैं महाराज के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ने वाला। जमीने भी आपकी हैं और आपकी रहे, लेकिन लेकिन दुख तो सिर्फ इस बात का है कि
ना ही आप लोग मुझे पहचान पाए और ना ही अपने महाराज पृथ्वीराज चौहान को। आपके साथ कोई खेल नहीं खेल रहा है। मैं तो ये पता लगाने जा रहा था कि इस सारे षड्यंत्र के पीछे किसका हाथ है। पृथ्वीराज चौहान अपनी प्रजा की खुशी के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा सकता है। कहीं ना कहीं गलती मेरी है जो मैं आप लोगों का विश्वास और भरोसा कभी नहीं बना पाया। राजकुमारी संजोगिता की दिन ब दिन तबीयत खराब होती जा रही है। ये आप क्या कह रही है? क्या हुआ है हमारी बेटी संयोगिता? महारानी, हम अभी राजकुमारी से मिलकर आ रहे हैं। हमें बहुत कमजोर दिखाई दी, उनका चेहरा भी पीला पड़ चुका है, गुमसुम सी रहती है। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये दुख उनको इतना बीमार कर देगा। सोचा तो हमने भी नहीं था गुरुमा, पर हम कर ही क्या सकते हैं। महारानी, हमें लगता है कि राजकुमारी को बदलाव की जरूरत है, उन्हें कहीं बाहर भेजना चाहिए। आप ठीक कह रही है गुरुमा, पर कहाँ भेजेंगे हम उनसे? और वैसे भी महाराज ने संयोगिता का महल से बाहर निकलना बंद करके रखा है। एक तरकीब है महारानी। वो क्या गुरुमा? कदम्बरी भरत नगर में संगीत उत्सव में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। अगर आप राजकुमारी को साथ जाने के लिए मना लें तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि महाराज कभी इनकार नहीं करेंगे। तो फिर ठीक है गुरुमा, हम इसके बारे में संयोगिता से बात करके देखेंगे। महाराज बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं। आओ सुरु, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। चिंता मत करो, तुम हमारे आदमी हो, तुम्हें अच्छे से अच्छा इलाज मिलेगा जब तक तुम्हारा हाथ ठीक नहीं हो जाता। जाओ और आराम करो। मैं अगली लड़ाई का ऐलान तभी करूंगा जब तुम्हारा हाथ पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। शुक्रिया महाराज, आप तो बड़े दिलदार भी निकले। जमीन के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप या दिल्ली के महाराज पृथ्वीराज चौहान? हाँ हाँ, मैं तो सिर्फ पृथ्वीराज के आदेश का पालन करता हूँ। जहाँ तक मैंने पृथ्वीराज चौहान के बारे में सुना है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। तो तुम भी पृथ्वीराज की भलाई के जाल में फंस गए। सच तो ये है कि पृथ्वीराज के अंदर एक जानवर छिपा है जो सिर्फ दौलत का भूखा है। क्या आप महाराज पृथ्वीराज चौहान से कभी खुद मिले? हाँ हाँ, बहुत बार मिला हूँ। सच? खैर, अब ये सब बातें छोड़ो, मैं तो सिर्फ पृथ्वी के आदेश का पालन करता हूँ। चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। सुनो
जल्दी करो, नहीं तो देर हो जाएगी। क्या हुआ वैशाली, कहाँ ले जा रही हूँ मैं? अरे चलो तो, महल में कठपुतली वाला आया है, बहुत अच्छा खेल दिखाते हैं वो। हमें नहीं देखना कठपुतली का खेल, हमें जाने दो। एक बार चलो तो, अगर अच्छा ना लगे तो लौट। चलो ना। ये एक लड़का और एक लड़की की प्रेम कहानी है, जो एक दूसरे से ऐसा प्यार करते थे जैसे वो दो जिस्म एक जान हो। लड़के का नाम जीत था, जिसकी तलवार के सामने बड़े बड़े योद्धा नहीं टिक पाते थे, और लड़की थी सुनैना, जिसकी नैनों की गहराइयां देखकर झील भी शर्मा जाए। पर आज से हमारे और अजमेर के सारे रिश्ते खत्म। बलाओं से बचने के लिए काली माँ का यंत्र बहुत आवश्यक है। हमारे पास तो बहुत सारे, अब बुरी बलाएं राजकुमारी को छू भी नहीं सकती। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। संयोगिता, हमें आपसे कुछ बात करनी है, आप हमारे साथ आइए। महाराज के पीछे किसका हाथ है? कैसे पता लगाऊं? क्या आप महाराज पृथ्वीराज चौहान से कभी खुद मिले हैं? हाँ हाँ, बहुत बार मिला हूँ। क्या बात है माँ, आप हमें यहाँ क्यों लाई हो? देखो बेटी, कादंबरी संगीत उत्सव में भाग लेने के लिए भरतपुर जा रही है। तो उसे जाने दीजिए, हम क्या करें? हम चाहते हैं कि तुम भी उसके साथ जाओ। पर मैं, हम किसी तरह भरतनगर से अगर दिल्ली पहुंचे तो पृथ्वी को मिल सकते हैं। ठीक है माँ, अगर आप चाहते हैं तो हम मना नहीं करेंगे। सही योगिता, हम जानते थे बेटी, तुम हमारी बात को कभी नहीं टालोगी। तुम वहां जाओगी तो तुम्हारा मन बहल जाएगा। नई जगह है, नए लोग हैं, वहाँ जाकर हमें कोई मिले ना मिले, हमें पृथ्वी से मिलने का मौका जरूर मिल जाएगा। वाह, क्या शानदार तस्वीर है महाराज। कहो, कैसे आना हुआ? मैं आपसे ये कह रहा था महाराज, पहले मुझे आपकी किसी भी बात से यकीन नहीं आ रहा था। कौन सी बात? वही पृथ्वीराज चौहान वाली बात। पहले मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि दिल्ली के महाराज पृथ्वीराज चौहान ऐसा कर सकते हैं, पर अब मुझे बड़ा यकीन हो गया। इस समय मुझे महाराज पृथ्वीराज चौहान पे याद है। मैंने तुमसे कहा था मैं सिर्फ महाराज पृथ्वीराज चौहान के आदेश का पालन कर रहा हूँ। भाई अचानक तुम्हें क्या हुआ? मैं अभी अभी महाराज पृथ्वीराज चौहान को देख कर आ रहा हूँ महाराज। कहा? यही आपसे मिलने, तुम महल की ओर आ रहे हैं। क्या कह रहे हो तुम? पृथ्वी यहाँ आ रहा है मेरे महल में? हाँ महाराज, मैं उन्हें पहचानने में भूल नहीं सकता, पर पृथ्वी के यहाँ आने की खबर सुनते ही अरे आप क्यों घबरा गए? नहीं, घबरा कौन रहा है, असल में मैं उनसे मिल नहीं सकूंगा ना, इसलिए कुछ परेशान हो गया। पर क्यों? वो मुझे अखंड पूजा पर बैठना है।
ये पूजा मैं हर साल करता हूँ और इस दौरान मैं बिल्कुल अकेला बैठता, किसी से नहीं मिलता। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। इसमें इतना परेशान होने की कोई बात नहीं महाराज, आप जाइए और अखंड पूजा में बैठ। हाँ ये अच्छा होगा, पूजा का वक्त हो गया, मैं चलता हूँ। मुझे पूजा गृह में जाकर पूजा शुरू करनी है, तुम संभाल लोगे ना? संभाल लेना। अब चिंता मत कीजिए महाराज, मैं सब संभाल लूंगा। लगता है पृथ्वी को मेरे सारे खेल का पता लग गया। अगर मैंने उसे ये बात बताई कि इस सारी योजना के पीछे मोहम्मद गोरी का हाथ है, तो गोरी मुझे मार डालेगी, और अगर नहीं बताया तो पृथ्वी मुझे मार डालेगी। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? जय हनुमान, जय हनुमान, जय कपीस तुम लोक उजागर, राम दूत है तुम्हें तुबल धामा। इसका मतलब ये खेल के पीछे पृथ्वी का नहीं, किसी और का हाथ है। किसी और का हाथ है तो कौन है? Thank you.